कि सरकार भी इस चीज़ को लेके काफ़ी गंभीर है और इस घटना में सारे प्रशासनिक पदाधिकारी लगे हुए हैं। अभी यहाँ पे लोजपा आर के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, जो पूर्व विधायक भी हैं, उनके द्वारा अभी आया गया था, अपने दल बल के साथ आकर के यहाँ पे उन्होंने निरीक्षण किया था और उन्होंने बहुत सारे बातों को बताया और उन्होंने सरकार पे बखूबी अपनी बातों को रखते हुए पब्लिक और मीडिया के सामने बताया कि सरकार को इतनी बड़ी घटना के बाद संवेदना होनी चाहिए, लेकिन अभी तक उन लोगों के द्वारा कोई आया नहीं है। जबकि मैं बता देना चाहता हूं अपने पब्लिक को और इस चैनल के माध्यम से कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके मरने वाले लोगों को 2 लाख रुपया मुआवजा एवं जो घायल हैं उन्हें 50,000 रुपये देने की बातें कही है। हालांकि बिहार सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के भी द्वारा एक मुख्यमंत्री आवास से एक लेटर जारी किया गया और उस लेटर में सांत्वना व्यक्त की गई है, मरने वालों को बखूबी होना भी चाहिए, वैसे लोगों को सांत्वना भी मिलनी चाहिए। लेकिन क्या अभी उनके परिवार को सिर्फ सांत्वना से काम चलेगा? जो घायल हैं उन्हें इलाज की ज़रूरत है, लेकिन जितना बेहतर हो सके उन्हें इलाज मिलनी चाहिए और राहत के लिए उनके परिवार, इनके बच्चे अब क्या करेंगे? क्योंकि ये जाहिर है कि जो यहाँ किसान, मतलब जो मजदूर थे, वो कोई पैसे वाले होंगे नहीं, वो BPL वाले होंगे, गरीब किसान होंगे, गरीब व्यक्ति होंगे जो 2 रुपया डेली कमाते होंगे और शाम को जब घर जाते होंगे तो उनके परिवार के लोग, उनके बच्चा, उनके पत्नी, उनका घर चलता होगा। तो आने वाला समय ओके जी, राजू भी आ जा पाए हैं, यहाँ पे बहुत बड़ी एक घटना घटी है जो मर्माहत करने वाली, इसके बारे में कुछ बताया जाए। देखिए, हमारे जो घटना घटी है, हमारे नेता कल हम लोग को तुरंत संज्ञान में लिए और हम लोग प्रदेश के सभी हमारे बड़े नेता आज हम लोग आए हैं। घटना आने के बाद यहाँ, मतलब सुनने में आ रहा है कि इतना परिवार आज उजड़ गया, परिवार का मुखिया जो कमाने वाला था उसका इस घटना में मृत्यु हो गई और हम उस परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और आए हुए हैं देखने और उस परिवार से जो यहाँ के लोगों से मिलेंगे और शासन प्रशासन से मांग करेंगे कि उनके परिवार के भरण पोषण पर, उनके बच्चों के लिए, उनके माँ के लिए उचित मुआवजा दिया जाए, जिससे उस परिवार को कोई, मतलब उसके मुखिया की कमी तो कभी कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन इतना मुआवजा जरूर मिले जिससे उसके बच्चों का भरण पोषण। आपने सर बात करा तो उस तमाम बातों में क्या कुछ बतलाया जा रहा है कि इस घटना के कारण के पीछे का कारण क्या है? देखिए, हमारे जिला पदाधिकारी से बात हुई है, हमारे यहाँ के अभी जो भी पुलिस के पदाधिकारी के लोग हैं उनसे बात हुई है, वो लोग जाँच कर रहे हैं। अभी वो लोग मतलब निष्कर्ष पे नहीं पहुँचे हैं, जाँच करने के उपरांत तब हम लोग भी अपना देख रहे हैं, जांच कर रहे हैं, हमारे लोकल जो पंचायत स्तर के नेता हैं वो लोग भी देख रहे हैं और निश्चित रूप से घटना अभी इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह उठाना नहीं, लेकिन घटना घटी है, जरूर कहीं कहीं से कोई लापरवाही हुई है और घटना ऐसी घटना हृदय विदायक घटना है और इसके लिए हमारी पार्टी पूरी तरह से उस परिवार के शोक में अभी शामिल। केंद्र सरकार के द्वारा अभी तक 2 लाख रुपया के लिए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है मरने वालों को और जो घायल है उनको 50,000, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा अभी तक कुछ नहीं बोला गया इस पे कुछ। देखिए, राज्य केवल ट्वीट कर करके वहां पे उनका कोई पार्टी के नेता नहीं है, कोई मिलने नहीं, देखिए उनका नेता नहीं है। देखिए, यही बात तो आप लोगों को समझाने की बिहार के वाली समझ गए हैं। आप देखिए, प्रधानमंत्री दिल्ली से संज्ञान ले लिए, जो उनको देना है दे दिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम लोग के जो मुखिया हैं बिहार के, ये अभी सैकड़ों लोग तड़प तड़प के मर गए शराब में। आप मतलब इनको बिहार वासियों से कोई मतलब नहीं है और निहायत ही दुर्भाग्य है, इनको तो बिहार वासियों ने 3 नंबर का पार्टी छोड़ दिया, इनको तो गद्दी संभालने के लिए कभी उनसे समझौता कर दिया, उनसे संवेदना नहीं रह गई है मुख्यमंत्री जी में। दुर्भाग्य है कि उनकी पार्टी का कोई नेता नहीं आया और अभी तक किसी प्रकार का मुआवजा की घोषणा नहीं हुई, ये दुर्भाग्य। लोजपा आर के प्रदेश अध्यक्ष पटना से चल के यहाँ आ गए इस पूर्वी चंपारण की धरती पे और अभी तक जिस सरकार के जो मुखिया लोग बैठे हैं अभी तक किसी प्रकार का कोई यहाँ पे नहीं आया। नहीं, यही तो संवेदना की बात है कि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि हमारे जो मुखिया हैं इनको बिहार के गरीब कोई मतलब नहीं।